फिजूल की चीजों के लिए भटकता नहीं है, परेशान नहीं होता है। यही अज्ञानता ही हमारी अशांति की जड़ है। अज्ञानता के कारण ही हम दुखी हैं। थोड़ा सा यदि हम एक मनुष्य को ज्ञान हो जाए कि भाई मैं कृष्ण का हूँ, तो कृष्ण जो भी मेरे लिए कर रहे हैं वही अच्छा है, और जो भी मेरे साथ हो रहा है मेरे अपने ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, तो फिर दुखी क्यों होगा? उसको तो हंसते हंसते शुक्र करते करते उसको खत्म करना पड़ेगा। तो अज्ञानता ही दुख का कारण है। और जो ज्ञानी होता है, भगवान आगे बताते हैं कि ज्ञानी जो है वो समदृष्टि होता है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय कुछ भी हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे किसके होते हैं? शरीर से रिलेटेड है। आज हमारे पास है, कल हम लोग चले जाएंगे। जिस जिस चीजों के लिए हम रोते हैं, जिस जिस चीजों के लिए हम दुखी होते हैं, वो कोई इम्पोर्टेंस रखती ही नहीं है। अगर कोई चीज दुखी होने की है ना, अगर दुखी होने का कोई कारण हो सकता है ना जीव के लिए, बस एक ही दुखी होने का कारण है, आज मेरा नाम जप नहीं हुआ, आज मैंने भगवान की सुबह मंगल आरती नहीं की, आज मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए, भगवान के साथ मेरा संबंध टूट रहा है, भगवान के साथ मुझे प्रेम नहीं हो रहा है। ये सब सिर्फ एक यही दुखी होने की बात है, बाकी संसार में कुछ दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है। अशोचान अनशोचस्व प्रज्ञावान वादांश वासते, मर भी जाए ना कोई जीव, उसके लिए भी दुखी होने की जरूरत है।